तुम्हें हमारा रिश्ता बर्बाद करने क्या देंगे। और खुली आंखों से सपना देखना बंद करो माया, ये सपने पूरे नहीं होंगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। शुभ रात्रि। राधे राधे। देखो देखो सपने, देखो सपने पे कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन माया यहां से नहीं जाएगी जब तक तुम नहीं जाओगी, समझे कि नहीं समझे। लाइए हम कर देते हैं। तुम रहने दो, मैं कर लूं। लीजिए ना अंशुमन जी, आपको पता है आज तक हमें पूरा विश्वास था कि आपको हम पर पूरा विश्वास, लेकिन आज हालात इतने बिगड़ गए कि हमारे विश्वास को और हमें जीने की इच्छा ही नहीं है। लीजिए मार दीजिए। फेंको इसे, पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इधर आओ, यहां बैठो। सुमन क्या बचपन है, इतना ओवररिएक्ट करने की क्या जरूरत थी। मैंने बस तुमसे इतना ही तो कहा था कि मुझसे बिना पूछे तुम्हें पुलिस को कॉल करने की क्या जरूरत थी। और हमने भी बार बार चिल्ला चिल्ला के बताया आपको कि हमने पुलिस को कॉल नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, लेकिन आपको हम पर भरोसा ही नहीं है। यहां देखो, मुझे तुम पे खुद से ज्यादा भरोसा है, लेकिन वो आवाज। अच्छा, अभी भी आपको वो आवाज की पड़ी है, आपको आवाज समझ में आ रहा है, लेकिन हमने किस तरह बात की वो नहीं, वो हमारा टोन ही नहीं था अंशुमन जी। और हम सपने में भी नंदिनी से ऐसे बात नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हमें और कोई सफाई नहीं देनी आपको, आपको जो सोचना है सोचिए, जो करना है करिए। सुमन, ये माया मैम साहब के आज के खाने की लिस्ट है और ये सब समय पर बन जाना चाहिए। गरम करछी से मुंह से चीख भी गरम गरम ही निकलती है, ट्राई करना चाहोगी माया? अबे चुप, जबान लड़ाती है, जो उसने कहा कर, चुपचाप, वरना। वरना क्या? हाँ, हम तुम्हारे गुलाम हैं, तुम्हारे सर्वेंट हैं। एक मिनट, दिखाने 10,000 आइटम। ये तुम्हारा खाना। अरे इसकी तो हमने चटनी बना दी। देखो तुमसे बाकी लोग डरते होंगे, हम तुमसे डरते नहीं है, समझी? इसे डरना नहीं कहते सुमनिया, इसे कहते हैं किस्यानी बुल्ली खंबा नोचे। हम समझ सकते हैं तुम्हारा दर्द, पूरे घर वाले जब तुम्हारे खिलाफ हो गए तो बेचारी क्या करेगी, गुस्सा तो करेगी ना, और गुस्सा कहाँ निकालेगी, माया के खाने पे। और हमको अपना खाना बनाना आता है, समझे? चले। तुम फिर आ गई, बनाए तुम्हारी चटनी या लगाए ये गरम करछी? नहीं प्लीज, ना करछी, ना चटनी, ना अचार, ना पापड़, कुछ नहीं प्लीज। सॉरी, हमें लगा कोई और है। देखो मुझे बार बार सॉरी मत कहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। थैंक यू तो बोल सकते हैं ना।
देखो सुमन, मैं सच में तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मैं तो तुमसे एक बात करने आया था। वो कल नंदनी और शिखर की वेडिंग एनिवर्सरी है, क्यों ना हम उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करें। नंदनी का मूड भी अच्छा हो जाएगा। भाभी, अभी हम नंदनी दीदी के कमरे में गए थे चाय देने के लिए, तो वो सो रही हैं, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो क्यों ना हम पार्टी आज रात की जगह कल कर लें, जिससे वो भी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगी। ठीक है, पार्टी कल ही होगी, हम ये बात अंशुमन जी को बता देंगे। ये ठीक है। ये नंदिनी है और यहाँ पे पावरी हो रही है, पावरी। हैप्पी एनिवर्सरी। चलो चलो, खुशी का मौका है, केक तो काटेंगे ना, और फैमिली मेंबर को भी बुलाएंगे। अरे कहाँ हो सब लोग, आ जाओ नीचे। अभी नया तूफान कहाँ से आ गया? नंदनी, उसके पति का हैप्पी एनिवर्सरी, तो हमने सोचा थोड़ा केक शेक काट लेते हैं। अब देखो घर के सब लोग आ गए, तो तुम्हारे पति देव को भी बुला ले। अरे यहाँ फोन में देखो। हाय नंदनी, हैप्पी एनिवर्सरी स्वीटहार्ट। सच मानो तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग सात समुंदर पार होते हुए भी अपनी एनिवर्सरी मनाएंगे। पता है नंदनी, तुम हमेशा मेरे दिल के पास रहोगे, इनफैक्ट सबसे पास रहोगे। आई लव यू, आई मिस यू ऑल। प्लीज जल्दी पास आ जाओ ना। माय गॉड दादी, ये मेरा सबसे 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 स्पेशल गिफ्ट था। थैंक यू सो मच। अच्छा थैंक यू मत बोल, अब जल्दी से केक काटो और अपना मुंह मीठा करो, सबको खिलाओ। देखा, बाकी किसी को कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन तेरी दादी को सब कुछ याद रहता है। हम याद भी रखते हैं और किसी को भूलने भी नहीं देते, समझे? अरे तो अभी शुरुआत है, असली तोहफा तो अभी बाकी है। और भी कुछ बाकी है? हाँ, तो अपने पतिदेव के पास एनिवर्सरी मनाने नहीं जाना चाहती का? मतलब? मतलब ये कि कल हम तुझे भेज रहे अमेरिका, तुम्हारे पतिदेव के पास। सच्ची दादी? थैंक यू सो मच दादी। एक आप ही है जिसको हमारी फिक्र है, वरना इस घर ने तो मुझे पराया कर दिया। नंदिनी, कैसी बात कर रही हो बेटा? क्या कहा बेटा तूने? इस घर ने तुम्हें पराया कर दिया? बेटा बड़े नाजों से पाला है तुझे, पूरे परिवार ने बहुत प्यार किया है तुझे, अब भी करते हैं। अरे हम सबके दिल का टुकड़ा है तू, गलती से भी। कभी ये मत समझना कि हमने तुझे पराया कर दिया। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। बता अपने भाई से क्या गिफ्ट चाहिए तुझे? जिसको मेरा स्पेशल डे नहीं याद था, उसे मैं क्या ही गिफ्ट मांगू। नंदिनी देखो, ऐसी बात नहीं है कि हमें तुम्हारी एनिवर्सरी डेट याद नहीं थी, उल्टा हमने और अंशुमन जी ने तो तुम्हारे लिए सरप्राइज पार्टी प्लान किया था, लेकिन फिर केतारी भैया ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बस इसलिए हमने वो पार्टी कल पोस्टपोन कर दी। मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी, हम आपके कमरे में चाय लेकर गए थे, तब आप सो रहे थे, तो हमें लगा आपकी तबीयत खराब है, इसलिए हमने सुमन भाभी से ऐसा कहा। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है दीदी। हाँ, तू तो भगत है ना अपने सुमन भाभी का, उसकी हाँ में तो हाँ मिलाएगा ही तू। और तुम्हारा तो मन ही नहीं था ना नंदिनी के लिए पार्टी करने का, तुम तो चाहती थी कि वो जेल के सलाखों के पीछे बंद रहे। झूठ बोल रहे हैं कहा? पहली बार एकदम सच कहा बड़की बहू। घर की पार्टी घर के नौकर के कहने पे कौन कैंसिल करता है? हाँ पता है सुमन,
मुझे ना तुमसे ज्यादा खुद पर गुस्सा आता है, क्योंकि तुम्हें ना मैंने अपनी अच्छी दोस्त समझा था, पर तुम किसी की नहीं हो, तुम सिर्फ खुद की हो। नंदिनी ऐसा नहीं है बेटा। अरे चलो चलो पार्टी खत्म हो गई। अरे और केक काटो और सब में बांटो। बाय। पड़ गया कलेजे में ठंडक, यही चाहती थी ना तुम, कर दिया तुमने। चाहती थी कि घर की बिटिया के मन में इस पूरे घर के लिए जहर भर दिया जाए। तुम तो सफल हो गई अपने काम में, है ना? अरे बिधाता, का किए हैं आप? कौन सा घड़ी में इस लड़की का नाम लिख दिए है इस घर का कुंडली में? कब तक सहना पड़ेगा इसको हमको? हम जानते हैं माया, ये सब तुम ही कर रही हो और किस लिए कर रही हो, मगर याद रहे, झूठ पर बन रहे तुम्हारे इस किले को हम ताश के पत्तों की तरह दहा देंगे। ना तुम्हारा झूठ ज्यादा दिन टिक पाएगा और ना ही तुम। अरे वाह, हमसे पूछ रही है कि हम यहाँ का कर रहे हैं, और तुम जो की वो तो तुम भूल गई। कोकी में? अरे भाई, इसे याद तो दिला दे। हम हमारे सारे काले कारनामों का इल्जाम हमारे आदमियों पर लगाकर अपना इमेज एकदम शुद्ध देसी घी की तरह बना लेंगे, और ये सब लोग जाएंगे जेल में और हम जिएंगे मिसेज राय बहादुर बन के ऐश की जिंदगी। अरे ये मेरी आवाज नहीं है। अच्छा, तो ये प्लानिंग चल रही है, बड़े घर में शादी करके अपने ऐसो आराम के लिए तू हमें कुएं में गिराना चाहती है? पोरा गयो क्या? मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? अरे यो दो दो माया, भागो। ये भैंस की आइज डरी हुई माया तो और भी ज्यादा क्यूट लगती है। वैसे तुम्हें क्या लगा था सिर्फ तुम ही दूसरों की आवाज निकाल सकती हो? ना मुन्नी ना, ऐसी बात नहीं है, हम में भी थोड़ा टैलेंट है। वैसे तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी ये घटिया चाल में हम फंस जाएंगे? कभी नहीं माया, ऐसा कभी नहीं होगा, वो हम पर काम नहीं करने वाला। इसमें तुम ही बुरी फंसोगी, समझ गई? समझ गई, और मैं डर गई सुमनिया। अब तुम जाओ यहाँ से, जाओ। हम कहीं नहीं जाने वाले। जाओगी तो तुम इस घर से, हमारे परिवार से बहुत दूर। तुम्हें पता नहीं होगा माया, लेकिन जब जब किसी ने हमारे परिवार को परेशान किया है ना, हमने उसे उसकी नानी याद दिला दी है। हम तो ये सोच रहे हैं तुम्हारा कितना बुरा हाल करेंगे हम। यस 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 डॉक्टर अविनाश, इस प्रॉब्लम में फंसी हुई है हमारी नंदिनी। ये मुंबई के किसी THC हॉस्पिटल में केस हुआ है। आप मुंबई के इतने फेमस डॉक्टर हैं, हमें लगा इस केस के बारे में तो आपको पता ही होगा। डॉक्टर प्लीज, हमें पूरी बात पता करनी है, आखिर हमें भी तो पता होना चाहिए ना। फिलहाल मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि पूरी बात क्या है। आई विल अपडेट यू सून। ओके, थैंक यू डॉक्टर अविनाश। अगर डॉक्टर अविनाश जैसे वेल कनेक्टेड डॉक्टर को इस बारे में नहीं पता, तो जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हमारी नंदिनी को फंसाया जा रहा है।
कैसा लगा नंदिनी? मुझे ये सब नहीं चाहिए। अगर आप मुझे सच में गिफ्ट देना चाहते हो ना, तो आप मुझे 50 लाख रुपए दे दो। 50 लाख? मगर क्यों? वो मुझे दादी को देना है, ताकि वो मुझे वापस अमेरिका भेज सके। वो सारा अरेंजमेंट कर रही है, बस 50 लाख रुपए चाहिए ताकि मैं जल्द से जल्द अपने शिखर के पास वापस चली जाऊं। आप भी तो यही चाहते हो ना भैया? हाँ, लेकिन नंदिनी। हम सब भी यही चाहते हैं नंदिनी। लेकिन हम में से ऐसा कोई नहीं चाहता कि तुम ऐसे घर से भाग जाओ। नंदिनी, जिस औरत पर तुम विश्वास कर रही हो ना, वो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। आंचल ने भी सेम गलती की थी। नंदिनी प्लीज देखो, वो बहुत बड़ी फ्रॉड है। प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश। बस सुमन, मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी। अब तुम प्लीज भगवान के लिए मेरे मामूलों से ना दूरी रहो। नंदिनी, हम में से कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ऐसे क्यों कर रही हो? तुम बस माया के माया जाल में फंसती जा रही हो नंदिनी, और हम ऐसा नहीं चाहते। हमने अपने सोर्स को काम पर लगा दिया है कि वो मुंबई वाले हादसे की पूरी सच्चाई हमें बता दे, और फिर हम साबित कर देंगे कि तुम बेगुनाह जो कि तुम हो। प्लीज नंदिनी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो और अपनों पर विश्वास करो, बाहर वालों पर नहीं। सुमन, इसके लिए ना मुझे टाइम है और ना तुम जैसे लोगों के लिए सब्र। और मुझे इस वक्त सिर्फ पैसे चाहिए, और मैं अपने भाई से मांग रही हूँ, तुमसे नहीं। आप पैसे दोगे ना भैया? देखो नंदिनी, इस बात में मैं सुमन के साथ हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो औरत एक चालबाज है, और मुझे पूरा यकीन है कि उसने तुम्हारी मदद के लिए तुमसे पैसे नहीं मांगे। वाह, आखिर भाई बहन के रिश्ते के बीच में आई गई ना पत्नी भैया। नंदिनी, थैंक यू हमारी बात समझने के लिए। नंदिनी, नंदिनी, I'm so sorry, दादी। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाई उस सुमन के वजह से। भाई ने साफ साफ मना कर दिया पैसे देने को। अरे पगली, रोती का है? हम है ना? अरे हम तेरे लिए लाखों क्या करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। पैसे की हमें कोई चिंता नहीं है, हम तो सिर्फ तुम्हें असलियत दिखाना चाहते थे सुमन की। अरे अंशुमन, पैसा ना दे ना दे, हम है ना? हम तुम्हें पैसा देंगे और तुम अमेरिका जाओगी, मतलब जाओगी। थैंक यू सो मच दादी। नंदिनी, नंदिनी, बस बिछिया रानी, एक बात का ध्यान रखना, ये जो सुमनिया है ना इस घर में, जब तक वो इस घर में रहेगी ना, तुझे बर्बाद करके छोड़ेगी, क्योंकि वो चाहती है कि इस घर में वो अपना राज चलाए, समझी? देख, अब तेरे ऊपर है कि तू कितना जल्दी हो सके उस सुमन नाम की पनौती को इस घर से बाहर निकाले, समझी? नंदिनी, तू इतनी निराश क्यों होती है? तेरा भाई है ना तेरे साथ। देख, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं नंदिनी, बस तू उस माया से दूर रहे और मुझसे वादा कर
कि आज के बाद तू उसकी बातों में नहीं आएगी, प्रॉमिस मी। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं दादी की बातों पे नहीं आऊंगी, लेकिन आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। तुम मुझसे जान भी मांगेगी तो वो भी दे दूंगा। बोल, क्या चाहिए तुझे? आपको सुमन को इस घर से निकालना होगा। नहीं तो मैं यहाँ से खुद की जान दे दूंगी। मुझे मालूम है थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको चुनना होगा, मैं या सुमन। तू जैसा चाहती है वैसे होगा। सुमन को इस घर से जाना होगा।